हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी अड्डा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इसके सिलेबस के बारे में। तो अगर आप इतिहास विषय के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें आपसे पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैदिक काल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे मौर्य समाज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इसका राजनीतिक इतिहास से क्वेश्चन होंगे, अशोक का मूल्यांकन से क्वेश्चन होंगे, समाज एवं सांस्कृति से क्वेश्चन होंगे, गुप्त राजवंश से क्वेश्चन होंगे, चोल वंश से क्वेश्चन होंगे, और उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति से क्वेश्चन होंगे, तुर्क आक्रमण से क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक यानी कि तुगलक वंश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मुगल साम्राज्य की स्थापना और पतन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव से क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आर्थिक आंदोलन से क्वेश्चन होंगे, देश के विभाजन और उसके बाद का भारत के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, एनी बेसेंट और रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान से क्वेश्चन होंगे। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। साथ ही अनअकैडमी द्वारा लगभग 4 करोड़ तक के स्कॉलरशिप दी जा रही है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम कॉम्बेट के लिए। ये गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है और आप देख सकते हैं 2021 के कई टॉपर जो हैं लगातार कॉम्बेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनकी अच्छी रैंक आई है, क्योंकि इसमें अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। इसमें 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक घंटे में। 23 यूपीएससी 2021 टॉपर्स जो हैं रेगुलर कॉम्बेट के यूजर थे। ऑल इंडिया रैंक 29, ऑल इंडिया रैंक 51, ऑल इंडिया रैंक 107, 321, 438, ये सारे अनअकैडमी कॉम्बेट के रेगुलर यूजर थे। तो ये कॉम्बेट जो है 19 जून को सुबह 11 बजे होगा, हर संडे को सुबह 11 बजे होता है। आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अच्छा मौका है आप लोगों के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको सिर्फ एसआर अड्डा कोड यूज़ करना होगा। अब बात करते हैं T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज की, जो कि प्रशांत धवन सर द्वारा स्टार्ट की जाएगी। ये फ्री टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। मंडे से फ्राइडे टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी 7:30 बजे। इसमें अगर आपकी एक रैंक आती है तो फर्स्ट रैंक तो आपको ₹1,000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, सेकेंड रैंक को अमेजन गिफ्ट वाउचर ₹500, थर्ड रैंक को अमेजन गिफ्ट वाउचर ₹250। तो अच्छा मौका है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर महिपाल राठौड़ द्वारा पैथफाइंडर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही, ये भी फ्री है, जिसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मिनट में। लैंग्वेज आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एवरी सैटरडे ये टेस्ट सीरीज शाम को 5 बजे होगी और अगर आप फर्स्ट रैंकर होंगे तो आपको ₹1,000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर, सेकेंड रैंकर को ₹500 और थर्ड रैंकर को ₹250 का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो ये थी इसकी जानकारी। सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते तो हम उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।